छतरपुर जिले के लवकुश नगर घायल के परिजनों की जानकारी के अनुसार लवकुश नगर थाना अंतर्गत ग्राम परसनिया में रहने वाले दो पुरुष एवं दो महिलाएं ग्रामीणों के ऊपर आवरा जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिससे चारों को गंभीर चोटें आई है। घायलों में परसनिया निवासी जगदीश चौबे, रामकिशोर पाल एवं महिला माया अहिरवार, महिला दस्या अनुरागी यह शामिल है। यह सभी ग्रामीण आज मंगलवार को शाम लगभग 6 बजे के आसपास अपने खेतों में काम कर रहे थे कि अचानक आवरा जंगली सुअर ने बारी बारी से चारों ग्रामीणों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे चारों को गंभीर चोटें आई है। लगभग 8 बजे के आसपास एम्बुलेंस की सहायता से चारों घायलों को ग्रामीणों को लवकुश नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर उनका उपचार किया गया है। अब ऐसे में वन विभाग का दायित्व बनता है कि वह इस आवरा जंगली सुअर को पकड़े, ताकि इसके बाद कहीं और किसी ग्रामीणों के ऊपर यह आवरा जंगली सुअर हमला ना कर सके। क्या घटना हो गई आज? जंगली सुअर ने सर जंगली सुअर ने बुढ़िया को मतलब बेल बेल के मतलब उसको काटा है। किसको? आपकी परिजन को? और हमारी पत्नी को। अच्छा, आपकी पत्नी को। कहाँ पर थी वो? वो सर एक मतलब हार में थी, संध्या की टाइम थी, मतलब वही 6 बजे के लगभग। और कितने लोग थे? और 4 लोग और 3 लोग और हैं। वो कौन है? आपकी परिजन है? वो एक है मतलब ब्राह्मण है। अच्छा, वो भी यही है। और एक पाल है, उसी गांव के रहने वाले हैं सारे? उसी गांव के रहने वाले हैं। और एक कबीर दास है। घटना कितने बजे के आसपास की? वही 6 बजे के लगभग। अच्छा, तो खेत में क्या कर रहे थे ये लोग, काम कर रहे थे? सर कटाई बिनाई का सीजन चल रहा है, तो खेत का तो है ही है भाई, कोई काट रहा है, कोई बकरी छेदी कर रहा है, और कोई मतलब अपना कोई भी कुछ कर रहा, मतलब टाइम नहीं है, कर रहा है। 6 बजे के आसपास घटना है। चलिए, छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।